विकी कौशल की फिल्म सैम बहादुर का लाइफ टाइम कलेक्शन के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। एनिमल चल रही है, साथ ही साथ सालार और डंकी भी चल रही है, लेकिन सैम बहादुर के बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा है। लेकिन सैम बहादुर की जो कलेक्शन हुई है, जो लाइफ टाइम कलेक्शन हुई है, उसके बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि ये फिल्म डेफिनेटली बहुत ही अच्छी निकल के आई है। और इतनी बड़ी फिल्म एनिमल के सामने ऐसा कलेक्शन करना, ये कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन भाई, आपको कोई बताएगा तो आपको पता चलेगा। हर कोई बात कर रहा है डंकी के बारे में, सालार के बारे में, एनिमल के बारे में, सैम बहादुर के बारे में अगर आपको बताएगा तो पता चलेगा कितना कलेक्शन हुआ है और क्या ये फिल्म निकल के आई है, कितना हुआ है इंडिया का नेट, इंडिया का ग्रॉस वर्ल्ड वाइड ओवरसीज से कितना आया है, सबके बारे में डिटेल में बात करें। उससे पहले आपको बता दूं, फिल्म का जो बजट है वो टोटल 55 करोड़ था। प्रोडक्शन वैल्यू साथ ही साथ जो एडवर्टाइजमेंट का अलग से बजट, सब कुछ मिला के टोटल 55 करोड़ रुपये इस फिल्म का बजट था। अब 21 दिसंबर तक की रिपोर्ट है मेरे पास। 21 दिसंबर तक इस फिल्म की जो ऑक्यूपेंसी रही वो डबल डिजिट में रही। 21 दिसंबर 20 दिन 21 दिन तक इस फिल्म का जो ऑक्यूपेंसी रही वो डबल डिजिट में रही। ओवरऑल ऑक्यूपेंसी रही 21 दिसंबर को 23.25%, मॉर्निंग शो में 11.75%, आफ्टरनून शो में 18.83%, इवनिंग शो में 29% और नाइट शो में 33.42%। इतनी बड़ी फिल्मों के सामने इतनी ऑक्यूपेंसी लेकर आना कोई छोटी बात नहीं है। अब कलेक्शन कितना हुआ है, देखिए 21 दिन का टोटल कलेक्शन मैं आपको बताऊंगा, लेकिन लाइफ टाइम इसका कितना होगा उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। इंडिया का नेट हुआ है 21 दिन का 81.9 करोड़ रुपये। 81.9 करोड़ रुपये इंडिया का नेट हुआ है। इंडिया का ग्रोस हो जाता है 96.7 करोड़ रुपये। ओवरसीज से 17.5 करोड़ रुपये आए हैं, 17.5 CR। वर्ल्ड वाइड टोटल 114.2 CR, यानी कि 114 करोड़ 20 लाख रुपये इसका वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन हुआ है। इसका बजट था 55 करोड़ और इंडिया नेट इसका 80 करोड़ हो चुका है। तो डेफिनेटली ये फिल्म यार सुपर हिट कैटेगरी में तो आ ही गई है। अब जब यहाँ पर इस तीन फिल्में बड़ी चल रही है, एनिमल चल रही है, डंकी, सालार, सब बड़ी चल रही है, लेकिन फिर भी इस फिल्म के कहीं कहीं थिएटर में एक दो शो तो लगे हुए हैं। तो अब ये जो वर्ल्ड वाइड 114 करोड़ है ना, तो अब मैक्सिमम लाइफ टाइम इसका 117 से 120 करोड़ लगभग होगा। इससे ज़्यादा डेफिनेटली नहीं होगा, लेकिन भाई 117-120 तक आंकड़ा पहुंचता है तो ये भी छोटी बात तो है ही नहीं। सैम बहादुर को जो सपोर्ट मिलना चाहिए था, जो रिस्पॉन्स मिलना चाहिए था, वो पब्लिक की तरफ से मिल चुका है। अब ऐसी फिल्म बनाने के लिए और मेकर्स जो है वो सोचेंगे। ऐसे कई हीरो हैं इंडिया में जिसके ऊपर फिल्म बननी चाहिए, और कई ऐसे फिल्म के जो मेकर्स है, प्रोड्यूसर है, वो भी अब सोचेंगे कि भाई पब्लिक को अच्छा तो देखना ही है। विकी कौशल की बदौलत ये फिल्म इतना कलेक्शन कर पाई है, एक्टिंग उसकी इतनी ज़बरदस्त थी इसी वजह से। तो भाई, आपने सैम बहादुर देखी तो मुझे कमेंट सेक्शन में आपका रिव्यू भी बता दीजिए कि आपको फिल्म कैसी लगी थी। बाकी जो सपोर्ट मिलना चाहिए था वो मेरे ख्याल से तो मिल गया है। आपको क्या लगता है, मिल गया है या नहीं मिला है, वो भी मुझे बता दीजिए। धन्यवाद।